61 नंबर क्वेश्चन आंसर दीजिए। महेंद्र सिंह धोनी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब मिला था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब मिला था? तो धोनी से रिलेटेड 2004 से याद रखेंगे, सबसे पहला वनडे क्रिकेट मैच खेला, 2007 में कप्तान बने, 2007 में आप देखोगे कि क्या मिला, तो आप देखोगे झारखंड रत्न से सम्मानित किया गया, 2007 में T20 मैच जीतने का काम किए, और अब यहाँ राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब मिला, तो 2008 में, 2008 में याद रखोगे जी, 2008 में। धोनी को पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया? पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया? ठीक है, तो 2018 में, मतलब 10 इसमें जोड़ दीजिए 2018 में। देखिए एकदम डेट में दिखना चाहिए, धोनी क्या है तो वनडे मैच, 2007 तो क्या है कप्तान, 2007 तो क्या है T20 वर्ल्ड कप, 2007 तो क्या है झारखंड रत्न, झारखंड रत्न है ना, कप्तान T20 वर्ल्ड कप, कप्तान T20 वर्ल्ड कप, राजीव गांधी क्या बोलते झारखंड रत्न, झारखंड रत्न के बाद खेल रत्न, और 18 में पद्म विभूषण। ठीक है, 34वीं राष्ट्रीय खेल 2011 पुरुष मुक्केबाजी में मिशेल बंजामिन लकरा को कौन सा पदक मिला था? लकरा को कौन सा पदक मिला? तो देखोगे इसमें से कोई पदक नहीं देखने को मिलती, हाँ स्वर्ण पदक, याद रखोगे स्वर्ण पदक। ठीक है, याद रखोगे बंजामिन लकरा, तो सबसे पहले याद रखे ये मुक्केबाजी से रिलेटेड है, 2011 में जो मुक्केबाजी हुआ 34वां राष्ट्रीय खेल, तो कभी क्वेश्चन ये भी हो सकते हैं कि 34वां राष्ट्रीय खेल कब हुआ, तो 2011 में मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक कौन जीता, तो बंजामिन लकरा, तो बंजामिन लकरा किससे रिलेटेड, मुक्केबाजी से स्वर्ण पदक जीते। देखो हर तरीके से इधर उधर करके आपको याद रखना है हर बातों में। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न से कौन झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी, तो सबसे पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन हो जाएगा, तो आप देखो सुमराय टीटी, सुमराय टीटी, ठीक है सुमराय टीटी, सुमराय टीटी ने किस खेल में भारतीय टीम का नेतृत्व किया, तो अभी तो आपने देखा हॉकी, ठीक है हॉकी याद रखने का काम करेंगे हॉकी में। ठीक है, असुंता अनसुता लकरा का संबंध किस जिले से है, तो अनसुता लकरा बताइए किस खेम से है, अभी तो आपको बताया गया अनसुता लकरा के बारे में है ना जी। ठीक है, तो पूरी तरीके से आपको याद भी कराया गया क क हॉकी है ना, अब किस खेल से रिलेटेड है, तो आप देखोगे सिमडेगा, ठीक है सिमडेगा याद रखोगे, सिम का जो लगाते हैं तो वो क्या है लकड़ी का इस तरह से बनाते हैं है ना, जाली टाइप का बनाते हैं और उसी पे सिम हम लोग लगा देते हैं ना। सुता लकड़ा किस जिले से है, तो सिमडेगा। किस झारखंडी खिलाड़ी ने भारतीय टीम का नेतृत्व किया, भारतीय टीम का नेतृत्व किसने किया, क्या सिर्फ धोनी थे या और भी कोई थे, याद रखोगे इसमें धोनी, क्रिकेट प्लेयर टेटी, असुता लकरा, ये तीनों थे। कौन 1980 मास्को ओलंपिक की स्वर्ण पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के सदस्य थे, तो इसके सदस्य कौन थे, ठीक है तो सिल्वानुस डुंगडुंग याद रखेंगे, इन्हें कि जयपाल सिंह मार देने का काम करेंगे, 1980 का डेट है, तो यहाँ पर सिल्वानुस डुंगडुंग, तो डुंगडुंग हॉकी से रिलेटेड है, हॉकी क किंडो क लिखी क लकरा है ना, उसके बाद डुंगडुंग टेटी। सिल्वानुस डुंगडुंग को ध्यानचंद अवार्ड से कब सम्मानित किया गया था, तो ध्यानचंद अवार्ड से डुंगडुंग को सम्मानित किया गया 2016 याद रखे 2016 है ना जी। देखो जी धोनी वाला जरूर से जरूर याद रखे, 2004 में वनडे मैच खेले, 2007 में कप्तान बने, 2007 में आप देखोगे कि क्या बोलते हैं T20 वर्ल्ड कप हुआ, 2007 में झारखंड रत्न मिला, 2008 में राजीव रत्न मिले, 2018 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। किसे हॉकी के आयरन मैन के उपनाम से जाना जाता है, आयरन मैन किसको जाना जाते हैं,
तो आप देखोगे डुंग 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 हॉकी के आयरन मैन कौन हो गए, डुंग डुंग है नहीं, तो आप देखोगे हॉकी के आयरन मैन कौन हो गए, तो डुंग डुंग। या देखेंगे जादूगर जयपाल सिंह है हॉकी के और आयरन मैन है डुंग डुंग। नेक्स्ट